हेलो एवरीवन, मैं अनुजा भारद्वाज आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेके आई हूँ और वो होता है हमारा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि जब आप एनडीए और सीडीएस के एग्जाम देखते हैं तो कई बार जब हम पढ़ा रहे होते हैं और थोड़ा डीप जाते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इतना डीप क्यों पढ़ाया जा रहा है या क्या चीजें हैं, इन चीजों को इतना ज्यादा फोकस करना चाहिए कि नहीं। तो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं एनडीए सीडीएस उनको हम कैटेगरी वाइज शो करते हैं हमेशा। जैसे एक बार लाए सेक्शन तो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं वो लेके आते हैं, कभी आपको मेडाइवल के लेके आते हैं। साथ में आपने एंशियंट के टाइम पे तो देखा होगा एंशियंट के कम आते हैं, लेकिन फिर भी थॉरो प्रैक्टिस के लिए हमने पूरे जो स्टेट पीसीएस वगैरह में जो क्वेश्चंस आए थे उनका कलेक्शन में लेके आई थी और वो क्वेश्चंस हम काफी सारे डिस्कस भी कर चुके हैं। बट एक फ्लो में मैंने मेडाइवल कंप्लीट कराया और मेडाइवल के क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगा कि अभी डिस्कस नहीं हुए, तो क्योंकि एग्जाम पास है तो क्यों ना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही सामने लाए जाए, जिससे आपको टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस का भी एहसास होगा कि जो है या दो सही है एक गलत है, उस तरह की बात है। कई बार रीजन एजर्शन वाले आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं कि पहले आपको एक एजर्शन दिया, एक स्टेटमेंट दिया और फिर उसका रीजन दिया। तो ये एजर्शन रीजन इसको हम बोलते हैं कि कथन और कारण वाले जो होते हैं स्टेटमेंट। तो ये चीजें हैं। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा तरीका रहेगा वो इसमें रहेगा कि जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं तो मेडाइवल से वो लेते हैं। तो शुरू करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन है, तो पहला इजी से शुरू करेंगे। इजी क्वेश्चन है आपके सामने। अमंग द फॉलोइंग विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुलह-कुल। सुलह-कुल की पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस करी? तो यहाँ पे ऑप्शंस है आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ये ऑप्शंस है। तो इनमें जो सुलह-कुल है ये क्या है, इसको यूनिवर्सल पीस थ्योरी भी कहा जाता है। ये जो आपकी थ्योरी आई थी ये मुगल्स के टाइम पे अकबर ने अपना एक धर्म भी चलाया था, दीने इलाही। अकबर ने क्या किया था, एक मजहरनामा अनाउंस किया था और मजहरनामा के अनुसार सारे जो धार्मिक मामले थे उसमें भी खुद को उसने सुप्रीम कर लिया था कि राजा ऑर्डर दे सकता है, धार्मिक मामलों में भी उसमें भी गाइड कर सकता है। तो यानी कि मजहरनामा के अनुसार राजा जो है वो सबसे हेड हो गया धार्मिक मामलों में भी। उसके बाद उसने सुलह-कुल की नीति का अनुसरण किया, क्योंकि शुरू में जब उन्होंने ये दीवाने खास और दीवाने आम जो बनवाए थे तो वहीं पे उनका एक होता था इबादत खाना। इबादत खाना एक तरह का असेंबली हॉल होता था, वहां पे वो डिस्कस करते थे सभी धर्मों के लोगों के साथ। जिन्होंने हमारी थ्योरी की क्लास ली होंगी उनको अकबर का वो पूरा डिटेल में सारी बातें हमने डिस्कस की थी और ईयर वाइज हमने डिस्कस किया था कि ये जो शुरू किया इन्होंने इबादत खाना, शुरू में तो ये डिस्कस करते थे सिर्फ मुसलमानों के साथ, लेकिन उसके कुछ सालों बाद ही इन्होंने शुरू कर दिया सारा डिस्कशन सभी धर्मों के लोग। तो पारसी धर्म, हिंदू धर्म, सभी लोग वहां पे बैठते थे और अपने अपने धर्मों की धार्मिक चर्चा करते थे। तो अकबर को ये समझ में आया कि सभी धर्मों में सेम बातें हैं, तो उसके बाद उसने सुलह-कुल की नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया। तो ये नीति किसकी है, अकबर की है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी अकबर, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इश्यूड कॉइन रूपी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए, यस जय हिंद पृथ्वी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि किसने सबसे पहले रूपी नाम से सिक्का शुरू किया। तो हमने टंका पढ़े थे, जीतल पढ़े थे, जो टंका जीतल काफी टाइम से चले आ रहे थे। और उसके बाद में फिर आपका जब स्लेव डायनेस्टी आई थी तो उसकी ये चीज रह रही थी। एसटीपी ऐप पर वीडियो शो नहीं हो रही होगी, ये एक्चुअली फ्री थी, फ्री वीडियो, तो वो पेड कोर्स में नहीं दिखेगी। ये आज फ्री डिस्कशन चल रहा है तो इसलिए आप यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। यूट्यूब पे फटाफट आपको कमेंट दिखते जाएंगे और ये है आपका ऐप, इसलिए हमने इसे कोर्स को बदला था, इसमें आज ये लाइव फ्री कर रहे हैं इसमें। तो आप देखें, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो कॉइन है रूपी नाम से सिक्का किसने चलाया। तो ये टंका जीतल जो नाम चले आ रहे थे, अरबी सिक्के भी आए, करते करते एक राजा जिसके समय पे ये रूपी नाम से चला। और ब्रिटिशर्स का ये कहना था, आप देखिए ऑप्शन का आंसर दीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी या अकबर, किसके समय पे चल रहा था ये कॉइन रूपी नाम का सिक्का। और ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि भारत की करेंसी का जो नाम पड़ा है रुपया वो इसी समय से शुरू हुआ है। तो आंसर दीजिए फटाफट कि किस राजा के समय से रूपी नाम से सिक्के चलते थे, तो रूपी रुपया ये चलते थे। इसके अलावा ऐसा नहीं है ये चांदी के सिक्के का नाम था रुपया, इसके अलावा ये जो कॉपर के सिक्के ये सब भी चलते थे, तो वो भी सस्ती धातु के भी चल रहे हैं और चांदी का भी। और जो कॉपर कॉइन्स होते थे 1:64 का रेशियो भी बताया हुआ था। ओके, 2 का सी आंसर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने ये रुपी नाम से सिक्के चलाए थे, ठीक है, तो ये रुपया नाम से इसने सिक्के चलाए थे, शेरशाह सूरी ने, चांदी के सिक्के हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन, द फेमस म्यूजिशियन एंड द कोर्टसन ऑफ अकबर। तानसेन का असली नाम पूछ रहे हैं। देखिए असली नाम के ऊपर क्वेश्चन काफी आ जाते हैं, यानी कि आपसे इनके बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दो लोगों के हिंदू नाम पूछ लिए, असली नाम पूछ लिए जाते हैं, एक तानसेन और दूसरा बीरबल। तो यहाँ पे तानसेन का पूछा है, फिर मैं आपको बीरबल का भी अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगी। तो इसका आंसर क्या है, तानसेन का असली नाम महानंद पांडे, लाल कलवंत, बाज बहादुर, रामतनु पांडे। क्या नाम था तानसेन का असली, ये आपको बताना है। ओके, यस, इसका आंसर है रामतनु पांडे। तो रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। और अगर हम बीरबल की बात करें तो बीरबल का असली नाम हुआ करता था महेश दास। महेश दास किसका नाम है आपका, बीरबल का। यह सही आंसर है आपका 3 का डी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉरगॉटन एम्पायर। ये किताब लिखी गई थी कि जो भूल गए जिस साम्राज्य को। तो अब जब फॉरगॉटन एम्पायर यानी कि कोई बहुत अच्छी और बहुत सुंदर डायनेस्टी, ये टॉपिक हमारा लेक्चर इस पे आ चुका है, तो ये डायनेस्टी के बारे में बताएं कि किसने कहा। एक रिनाउंड हिस्टोरियन थे रॉबर्ट सेवेल। ये हुआ क्या था कि ये सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिशर्स के समय पे, कहाँ के, मद्रास के। ये सिविल सर्वेंट मद्रास प्रेसिडेंसी के थे। उस समय उन्होंने किसी डायनेस्टी के बारे में जानकारी ली, उसके बारे में पढ़ा और उसके ऊपर एक बुक भी लिखी, द फॉरगॉटन एम्पायर। तो वो कौन सा एम्पायर था, कुषाण एम्पायर, मौर्य एम्पायर, विजयनगर एम्पायर या मुगल एम्पायर। अब यदि आपको नहीं भी आता है तो देखिए थोड़ा और देखिए, रॉबर्ट सेवेल, अगर हम बता दिए कि यहाँ पे जो मैंने हिंट दी कि सिविल सर्वेंट थे मद्रास प्रेसिडेंसी, तो मद्रास साउथ की बात आ रही है। कुषाण जो थे वो तो कश्मीर साइड के थे, कनिष्क वगैरह, उन्होंने तो मथुरा और कश्मीर वहां सेंटर बनाया, तो ये नहीं होंगे। मौर्य जो थे ये मगध की बात आ रही है, बिहार की, तो ये भी नॉर्थ इंडिया में आ गया। तो मद्रास तो नीचे की बात है, साउथ इंडिया, तो यानी ये 2 हो सकते हैं। मुगलों का भी कंट्रोल काफी रहा था और इन लोगों का विजयनगर जो है ये भी साउथ में था, तो इसमें से क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो यहाँ पे आपको बताना है। यस एकता शर्मा, जय हिंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4th का आंसर हो जाएगा विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर को द फॉरगॉटन एम्पायर की संज्ञा दी गई थी। ये विजयनगर एम्पायर के जो रूइंस मिले थे उनको स्टडी किया गया था और फिर ये फॉरगॉटन एम्पायर नाम दिया गया था। तो ये आपका आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहे हैं आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू शेर शाह। शेरशाह सूरी, इनके बारे में काफी कुछ हमने जानते हैं, शेरशाह सूरी के साम्राज्य के बारे में, शेरशाह सूरी ने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे, इसलिए हम अच्छा समय मानते हैं। तो उनकी स्टडी को देख रहे हैं। ड्यूरिंग शेरशाह's रीजन द विलेज पंचायत एंड जमींदार वर नॉट अलाउड टू डील विद सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट द लोकल लेवल। स्थानीय निकाय में जो दीवानी और फौजदारी केसेस होते थे उनके ऊपर ये बोल रहे हैं, शेरशाह सूरी के समय पे विलेज की जो पंचायत होती थी और जो जमींदार तो होते थे उनको अलाउ नहीं होता था कि वो स्थानीय निकाय के जो भी दीवानी और फौजदारी केस है उनके ऊपर अपना कोई फैसला दे सकें, यानी कि लोकल बॉडी को पावर नहीं दी थी, पहला पॉइंट। दूसरी बात कह रहे हैं, शेरशाह ने आर्मी कैंटोनमेंट स्टैब्लिश करी, यानी कि छावनियां बनाई थोड़ी थोड़ी दूरी पे और एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर, एंड स्ट्रॉन्ग गैरिसन वाज पोस्टेड इन ईच ऑफ देम। स्ट्रॉन्ग गैरिसन वहां पे पोस्टेड था, यानी कि एम्यूनिशन रखा होता था। यस ख्याति चौहान, गुड इवनिंग, दैट्स गुड दैट यू हैव ज्वाइन नाउ। सो थोड़ा एक्टिव होके फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिए। तो ये आपसे बोल रहे हैं कि पहला पॉइंट था कि शेरशाह सूरी जो है उसके लिए बोला जा रहा है क्या वो लोकल लेवल पे उसने पावर नहीं दी थी कि दीवानी फौजदारी के फैसले जो गांव के पंचायत या जमींदार है वो लोग करें, यानी कि सेंट्रलाइज कंट्रोल रख रहा है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि शेरशाह सूरी ने एक आर्मी कैंटोनमेंट थोड़ी थोड़ी दूरी पे छावनियां बनाई थी और उन छावनियों पे हर समय वो अपना हथियार वथियार ये सब कुछ रखता था। तो ये सब चीजें हैं। तो अब फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं या सिर्फ एक या दो या दोनों सही हैं या नाइदर वन एंड टू, यानी कि ना तो एक ना दोनों कोई भी सही नहीं है, नाइदर वन एंड टू। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा शेरशाह सूरी के बारे में? तो देखिए शेरशाह सूरी के लिए किसी चीज को साम्राज्य की धमनियां भी कहा गया था। यह भी आपके साथ मेरा क्वेश्चन है कि साम्राज्य की धमनियां किसको कहा गया था, वो भी शेरशाह सूरी से ही संबंधित है ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रही हूँ। तो इसमें क्या था कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ गैरिसन टाउन बनाए गए थे, कुछ आपकी छावनियां बनाई गई थी। तो ये शेरशाह सूरी के समय में भी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसने छावनियां बनाई और ये छावनियां जो थी या पुलिस चौकियां भी स्टैब्लिश करी। ये पुलिस चौकियां या छावनियां पोस्टल सर्विसेज के तौर पे भी ये काम में लेते थे, यानी क्या होता था डाक एक जगह से दूसरी जगह एक मैसेंजर पहुंचाएगा, फिर सेकंड पोस्ट से थर्ड पोस्ट तक दूसरा मैसेंजर, ऐसे करके ये लोग एक इन्होंने बहुत अच्छा नेटवर्क बना रखा था। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे 100 मील की ये आपका हर 100 मील पे आपका ये छावनियां वगैरह होती थी और थोड़े थोड़े और दूरी पे क्या करते थे ये लोग सराय बनवाते थे और उन सराय को साम्राज्य की धमनियां कहा गया है। 5th का बी आंसर आ गया है, ओनली टू बिल्कुल सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही नहीं है क्योंकि शेरशाह सूरी के बारे में मैंने एक स्टेटमेंट बताया था कि ये अब इसने ऑफिसर्स तो अपॉइंट करे थे पर ज्यादातर चीजें ये सेंट्रलाइज कंट्रोल रखता था या फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजता था और वो भी ज्यादातर इसके परिवार के लोग थे, इसलिए ये डायनेस्टी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही और कुछ टाइम बाद शेरशाह के बाद कोई इतना अच्छा प्रोमिनेंट उत्तराधिकारी नहीं था, तो डायनेस्टी एंड भी हो गई बड़ी जल्दी। तो ये जो शेरशाह सूरी था इसके बारे में यह है कि इसने मिलिट्री का भी एक डिपार्टमेंट बनाया परंतु आर्मी में एक एक सोल्जर की एंट्री ये खुद करता था, यानी कि हर की भर्ती वो खुद करता था अपनी देखरेख में और उसके बाद भर्ती के बाद फिर वो दाग और चेहरा की पद्धति ये सब चल रही थी लेकिन भर्ती खुद करता था। वेतन पेमेंट वगैरह के लिए डिपार्टमेंट बनाए हुए थे कि इनकी जो सैलरी है वो टाइमली रिलीज करो, वो सब चीजों के लिए डिपार्टमेंट बनाया था बट सोल्जर्स की भर्ती अपने हाथ में थी, यानी कि सेंट्रलाइज कंट्रोल कहीं ना कहीं इसमें हम ध्यान में रखेंगे। तो पॉइंट 1 इज नॉट करेक्ट, पॉइंट 2 इज करेक्ट, सो ओनली 2 बिल्कुल सही है आपका। यस करण पाल जय हिंद। आप देखिए तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है शेख मुइनुद्दीन और बख्तियार काकी और ये आपका फरीदुद्दीन गांजी शकर, ये थोड़े नाम अजीब लग रहे होंगे। अब अभी आपको वैसे सूफी टॉपिक यहाँ पे अभी हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ही देते रहते हैं हम लेक्चर के बीच में। बट देखिए शेख मुइनुद्दीन, तो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? देखिए 2-3 दरगाह बड़ी फेमस होती है, निजामुद्दीन औलिया या फिर मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, और ये जो है शेख सलीम चिश्ती। 3 मैं बता रही हूँ, 3 के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। यहाँ लिखते हैं ओके अजमेर बिल्कुल सही है। राजकुमार सोनी आपका, रवि कुमार आपका आंसर सही है। ये जो मुइनुद्दीन चिश्ती वाला है दिस इज अजमेर दरगाह। आप राजस्थान में हैं तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। इसको पता है निजामुद्दीन, निजामुद्दीन स्टेशन कहाँ पे है? नहीं यूपी से नहीं है करण, ये वाला तो अजमेर का है। निजामुद्दीन स्टेशन कहाँ पे है ये भी आपको ध्यान आ जाना चाहिए। यस मुइनुद्दीन का कई लोग सही बता रहे हैं। अब इसका बताइए निजामुद्दीन, निजामुद्दीन स्टेशन कहाँ? यस वेरी गुड, दिल्ली। निजामुद्दीन दिल्ली में है तो निजामुद्दीन की दरगाह भी दिल्ली में होगी। अब बच कौन सा गया? सलीम चिश्ती। तो सलीम के नाम को कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे कि अकबर क्या बोलता था? अकबर बोलता था कि भाई किसको? सलीम बोलता था अपने बेटे को, ठीक है, सलीम, अनारकली, सलीम एंड ऑल, ये सब चलता रहता था ना। तो वो सलीम किसका नाम था? जहांगीर का नाम था। तो यानी अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम इसलिए रखा क्योंकि वो सलीम चिश्ती से बहुत ज्यादा वो था, इंस्पायर्ड था या उनका भक्त था। जोधाबाई, जो हम नाम बोलते हैं, हरकाबाई या हीर कुंवर, आमेर की जो राजकुमारी थी, वो और अकबर सिर झुकाने गए थे सलीम चिश्ती की दरगाह पे, उसके बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यस रवि कुमार, फतेहपुर सीकरी जो है वो इन्हीं के नाम पे रहा। तो जो अपने फतेहपुर सीकरी जो आगरा से जस्ट 42 किलोमीटर आगे अपने बसाया, वो सलीम चिश्ती की दरगाह के आसपास ही नगर बसाया, जिसको आपने फतेहपुर सीकरी नाम दिया। तो यानी कि ये तीन तो आपको समझ में आ गए, याद भी हो गए कि भाई कौन कौन से थे ये तीन, ये सूफी संत है। अब इसके बाद में अनारकली के बारे में कुछ नहीं बताया। यस, अनारकली का एक्चुअली कुछ नहीं था, बस इतना ही है कि उसको चिनवा तो दिया था। तो उसकी एक स्टेटमेंट है सिर्फ जहांगीर की कि अगर मैं एक बार भी अनारकली का मुंह और देख पाता तो मुझे जन्नत का नसीब हो जाता, या जन्नत का चला जाता, या जन्नत देख पाता, ऐसा लगता। मतलब उसने इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट से लगता है कि अनारकली नाम का कोई कैरेक्टर था तो सही, ठीक है। बाकी जहांगीर का बहुत कुछ है। आप अनारकली की बजाय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नूरजहां याद कर लें, नूरजहां में बहुत कुछ है जो कि एग्जाम में आएगा। अनारकली पे क्वेश्चन नहीं आ रहे एक्चुअली, और नूरजहां पे लेकिन बहुत बनेंगे क्वेश्चन, इसीलिए हमने नूरजहां बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप देखें, नूरजहां का पिता, नूरजहां का भाई, नूरजहां की माँ, सब कुछ हर एक के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहे हैं कि शेख मुइनुद्दीन, ये पता चल गया आपको, मुइनुद्दीन यानी कि अजमेर वाले। बख्तियार काकी, इनका सेंटर भी दिल्ली में था, ठीक है, बख्तियार काकी। और फरीदुद्दीन गांजी शकर, ये बख्तियार काकी के ही शिष्य थे। और ये जो है ना, ये गांजी शकर, कई बार गंज भी मिलेगा, गंज शकर। तो ये जो है अनारकली मैरिड टू नो वन, ठीक है, तो किससे शादी नहीं हुई थी। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं फरीदुद्दीन गंज शकर, फरीदुद्दीन जो गंज शकर हैं, इनके बारे में हम बोले। यस, एकता शर्मा, आप जो बोल रहे हैं ऐप क्लास की नोटिफिकेशन ऐप में नहीं मिली, तो मे भी नहीं मिली होगी, बिकॉज दिस इज फ्री क्लास। तो ये जब भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं तो वो फ्री क्लास ही रहती है मोस्टली, इसलिए आपको यूट्यूब पे भी आप अपना नोटिफिकेशन ऑन रखा करिए, तो उससे आपको क्या है पता चलता रहेगा। ऐप में नोटिफिकेशन से आपको यूट्यूब से भी वो आ जाएंगे, जो बेल आइकन दबाते हैं ना, तो वो आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन, तो वो भी ऑन रख लिया करिए, ठीक है। बाकी आगे मैं भी बोल दूंगी तो वो चीज़ देख लेंगे क्या करें, क्या करना है उनको। तो यहाँ देखिए फरीदुद्दीन गंज शकर जो हैं, ये इनके शिष्य थे और ये पंजाब में जन्मे थे। तो इनका बेस क्या था, ये पंजाबी भी थे, लेकिन है कौन? चिश्ती, यानी कि सूफी संत है, यानी मुसलमानों के संत है, और पंजाब में जन्म हुआ था। तो इनके पद जो थे, इन्होंने जो बातें बोली थी, उसको बहुत ज्यादा खुशी खुशी इन लोगों ने, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें इंक्लूड किया हुआ है। यानी पंजाबियों के ऊपर भी इन्फ्लुएंस है, मुसलमानों का भी इन्फ्लुएंस है। तो तीन संत हमने बता दिए। अब देखिए, अब ये बोल रहे हैं कि इन संतों के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं। प्रोमिनेंट मिलिट्री लीडर थे क्या सल्तनत पीरियड के, प्रोमिनेंट पेंटर्स थे सल्तनत पीरियड के, प्रोमिनेंट चिश्ती संत थे, या प्रोमिनेंट पोइट्स फ्रॉम कोर्ट ऑफ सल्तनत, पोइट्स भी नहीं थे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी, तो सी आंसर हो जाएगा। बाबा फरीद, ये भी आपके वही थे जिनके बाबा फरीद के भी लिए गए हैं स्टेटमेंट आपका इसमें जो गुरु ग्रंथ साहिब है, और इनके बारे में वो भी है, वो जो अलख निरंजन जो शब्द है, तो अलखुदास और ये सब जो शब्द है वो सूफी संतों से यहीं से उठाए हुए हैं। तो बाबा फरीद भी इसी चिश्ती संप्रदाय के ही सूफी संत है, बाबा फरीद भी, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सारे हैं एक्चुअली, 4 संप्रदाय मेनली हम लोग पढ़ते हैं, चिश्ती, सुरावर्दी और कादिरी और नक्शबंदी, 4 संप्रदाय हम लोग पढ़ेंगे। यस, ओके, सी आंसर था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का दीजिए आंसर। तो 7 में ये बोल रहे हैं विच वन ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट बृहदेश्वर, तो ये तो मेरा फेवरेट टेम्पल आ गया, बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर का। तो 6 का, ओके 7 का दीजिए। तो बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर का जो है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? The temple is a splendid example of Chola architecture, कि splendid को क्या कह सकते हैं, अद्भुत या अद्वितीय। तो ये क्या है भाई आपका अद्भुत एग्जाम्पल है किसका? चोल आर्किटेक्ट, यानी कि कौन से साम्राज्य से रिलेटेड है? चोल साम्राज्य। दूसरे स्टेटमेंट में राजा का नाम दे रहे हैं ये लोग, क्या कह रहे हैं? इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर राजा राजा, तो चोल साम्राज्य का एक राजा था जिसका नाम है राजा राजा, उसके द्वारा बनवाया गया ये मंदिर सही है कि नहीं, या किसी और के द्वारा बनवाया गया। तीसरा देखें, टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है ये। ग्रेनाइट और ग्रेफाइट दो पत्थर होते हैं, मालूम है ना। ग्रेनाइट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। टेम्पल इज अ मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, विष्णु भगवान को डेडिकेटेड ये मंदिर है। बताएं अब इसमें ये आपका क्या पूछ रहा है, विच इज नॉट करेक्ट। हमेशा ये ढूंढ लिया करिए कि पूछ क्या रहा है। तो ABCD में से कौन सा गलत है, जल्दी से बताइए। ये जो टेम्पल है ये तमिलनाडु में है, इतना बता देते हैं। कौन सी नदी के किनारे है, कावेरी नदी के किनारे है। दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये आपको मिल गया। यस, बिल्कुल सही है रवि आपका आंसर। ये जो है बृहदेश्वर टेम्पल तो शिव मंदिर है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया। मैंने कहा था ना CDS NDA क्या करता है, सारी बातें सही करेगा, एक छोटा सा शब्द से वो पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करेगा। सारी बातें सही है डिटेल में, बस एक शब्द यहाँ पे गलत किया हुआ है। तो ये इसका आंसर है D, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज ऑफ व्हाइट मार्बल। अब अपने दिमाग में, जिसने नहीं अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं, 3 फॉर्म ऑफ आर्ट होती है। एक मथुरा शैली, गांधार शैली से अमरावती शैली। ठीक है, मथुरा शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली। ठीक है, यस आपका भी सही है पृथ्वी। आप देखिए 7 का D यहाँ पे। मथुरा शैली जो है, जो एक शब्द आपको जानते हैं इंडाइजिनस होता है। इंडाइजिनस का मतलब होता है कि मूलभूत या वहीं की जन्मी हुई। तो यानी कि मथुरा शैली क्या है, इंडिया की इंडाइजिनस है, यानी कि मथुरा की ही, ये इंडिया की ही उत्पन्न शैली है। अमरावती भी इंडाइजिनस है, यानी कि यहीं की उत्पन्न है, ये नहीं है, ये बाहर की है। ये कहां से मिली हुई है हमें, तो हम बोल सकते हैं एक तो ये आपका ग्रीको रोमन यानी ग्रीक और रोमन और इंडिया, तीनों का मिक्सचर बनके एक शैली बनी है। कौन सी, गांधार शैली, ग्रीक रोमन और इंडिया। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे अलग से एक और कवर हो गया कि ये 3 शैलियां होती हैं, उनमें से जो गांधार है ये इससे बनी है, एक अमरावती है वो भी इंडिया से बनी है, लेकिन ये भी एक विशुद्ध रूप है, ये बाद में बनी है। एक मथुरा शैली होती है। बुद्ध की जो खड़ी हुई प्रतिमा होती है ज्यादातर वो मथुरा शैली की है, जो शुरू की प्रतिमा मिली है वो मथुरा की मिली है। ठीक है, आप देखें तो क्वेश्चन ये पूछ रहा, व्हाइट मार्बल, लॉन्ग लेग्स, स्लेंडर फ्रेम्स, ह्यूमन बींग्स आर सेंटर कैरेक्टर्स एंड प्रोमिनेंस ऑफ किंग्स, प्रिंसेस, पैलेसेस, यानी इन चीजों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं आपका गांधार शैली सब जगह मिलती है, कई जगह मिल रही है, नॉट ओनली टू दिस राजस्थान से संबंधित ऐसा नहीं है। गांधार के एग्जाम्पल राजस्थान में भी हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान इसका बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे इंडो ग्रीक्स आए थे ना, उन लोगों ने ये, उनके आने पे हमारे यहाँ ये बनी थी। तो इंडो ग्रीक्स जहां जहां गए उन्होंने शैली को पूरी तरह से मिक्सअप करवा दिया, तो हर जगह एग्जाम्पल मिलते हैं इसके। तो हम ये बोल रहे हैं, वैसे ज्यादातर आपको जहां पे बुद्ध की प्रतिमाएं मिल रही है, जैसे MP वगैरह में ज्यादा मिलती हैं, तो आप वहां बोलेंगे इसको। ठीक है, तो यूज ऑफ व्हाइट मार्बल, लॉन्ग लेग्स, स्लेंडर फ्रेम्स, ह्यूमन आपके सेंट्रल कैरेक्टर में रहते हैं, बाकी राजा, राजकुमार, महल वगैरह ये सब दर्शाए गए हैं। तो कौन सी आर्ट फॉर्म में ये चीजें दर्शाई गई हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा, या आपका पेहरी स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसको छोड़ दें, ये अभी आपके इसमें रेलेवेंट नहीं है। इन तीनों में से बताएं क्या आंसर हो जाएगा, कि किसमें ये व्हाइट मार्बल और ये सब चीजें डोमिनेट रहती हैं। तो देखिए मथुरा शैली जो है इसमें उतना ज्यादा फाइन फीचर्स नहीं होते हैं। बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं इसमें दिखाई गई हैं मथुरा शैली में, लेकिन उतना ज्यादा फाइनली नहीं होता है। बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट ज्यादा दिखता है। इसके अलावा जो कनिष्क की मूर्तियां मिली है मथुरा से, जो कनिष्क का एक ऐसा मिला है ना, पीछे लंबा सा एक रोप पहने हुए कनिष्क की मूर्ति मिली है, और उसने घुटने तक के शूज पहने हुए हैं, तो वो जो है वो मथुरा शैली में है। तो मथुरा में एक म्यूजियम भी है काफी अच्छा, तो वहां पे काफी सारी मूर्तियां मिलेंगी। गांधार शैली जिसमें वो बुद्ध को थोड़ा मेडिटेशन वाले भाव में दिखाया गया है, उनके हाथ के 4 मुद्राएं दिखाई गई हैं गांधार शैली में, और फीचर्स बहुत अच्छे दिखाए गए हैं। जो आप लोग देखते हैं ना, गांधार और अमरावती दोनों में थोड़ा फाइनली काम होता है। गांधार सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। जो आप लोग कहते हैं कि जो मॉडर्न पेंटिंग्स देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, वो बुद्ध की जो सबसे ज्यादा फेमस है वो गांधार शैली की आपको दिखती है। इसके अलावा बहुत सारी जातक कथाएं यानी बुद्ध की ही प्रतिमाएं और बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाएं प्रतिमाएं, जिसमें बुद्ध के बाल उसमें भी इस तरीके के थोड़े कर्वी दिखाए हैं, यानी कि जो बुद्ध का वो बालों का जो जूड़ा सा है तो उसमें ऐसे ऐसे कर्व दिखाए हैं, ये अमरावती शैली में होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि ये सब चीजें किसकी पहचान है, तो आंसर बिल्कुल सही है पृथ्वी आपका, अमरावती शैली, अमरावती आंसर है इसका। तो अमरावती शैली में ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। तो यानी कि मथुरा थोड़ा रफ है काम, गांधार बहुत फाइन वर्क दे रहा है, अमरावती भी फाइन वर्क दे रहा है। अमरावती वगैरह के आपको बहुत सारी बुद्ध की अलग अलग स्ट्रक्चर की प्रतिमाएं दिख जाएंगी, आप गूगल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी, थ्योरी सेक्शन नहीं है इसलिए मैंने इमेजेस नहीं डाली, थ्योरी होती है तो हम इमेज साथ में आपको दिखाई देते हैं, तो आप गूगल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आपको अमरावती के भी बहुत सुंदर सुंदर वो मिलेंगे। अच्छा, अगर मैं अमरावती शैली मैंने बोला तो और क्या स्टेटमेंट था जो मैं यहाँ पे डाल सकती थी अमरावती से संबंधित, तो मैं आपको बोलती कि अमरावती शैली का सेंटर, ठीक है, जैसे इस बच्चे ने बोला ना कि भाई गांधार का बेस पूछा या मथुरा से बेस पूछ लें तो वो तो बता देंगे, बट अमरावती, तो अमरावती कहाँ की कैपिटल घोषित हुई है, कोई राज्य है ना अभी जिसके 3 कैपिटल बन गए हैं, तो अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल, तो ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ये अमरावती यानी कि कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन में ये शैली आपकी पनपी। तो अमरावती शैली का सेंटर कहाँ पे मिलेगा आपको, कृष्णा और गोदावरी नदी के संगम में या उनके बीच में ये अमरावती शैली का मुख्य केंद्र रहा है। तो ये आपका कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Consider the following statement about the famous traveler Ibn Battuta। Ibn Battuta की बात कर लेते हैं, गाना नहीं याद करना है, Ibn Battuta का कैरेक्टर है। He was a Moroccan traveler। मोरक्कन का मतलब क्या हो गया, अफ्रीका, अफ्रीकन ट्रैवलर था। Yes, Andhra Pradesh is correct, okay। He narrated his experiences while traveling the subcontinent in the 14th century किताबुल हिंद। उसने किताब उल हिंद नाम की किताब में, बुक में अपने सारे एक्सपीरियंस लिखे। He was sent as an envoy of Sultan of Delhi to China, कि उसको रिप्रेजेंटेटिव बना के दिल्ली के सुल्तान ने चाइना में भेजा, यानी कि क्या वो चाइना गया। इनमें से कौन कौन से सही हैं, 1, 2, 3, 1 and 3, ओनली 3, 1 and 2, बताएं इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखिए इसमें से मैं आपको ये वाला स्टेटमेंट का बताऊं तो यहाँ पे ये चाइना गया था, ये भी गया था, और एक और ट्रैवलर की हम लोग बात करते हैं, मार्को पोलो, वो भी ट्रैवलर जो था वो भी चाइना गया था। तो दिल्ली के सुल्तान के द्वारा इनको भेजा गया था और मार्को पोलो जो है ये भी चाइना गए थे, तो यानी कि चाइना तो गया है, ये वाला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। तो अब आपकी नजर किस पे आ गई होगी, इस पे, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो ही गया। अब बात करते हैं कि मोरक्कन ट्रैवलर अफ्रीका का क्या था, क्या ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यस, एकता शर्मा आपका डी। नो, थोड़ा अब और दिमाग लगाइए, तो ये तो हमने गलती कर दिया, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये वाला स्टेटमेंट सही है। ये क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो किताबुल हिंद है ये तो अल-बरूनी ने लिखी है, और अल-बरूनी किसके साथ में आया था, अल-बरूनी आया था गजनवी के साथ में भारत। अगर आप लोगों ने जो मैंने तुर्क और अफगानों का भारत में आगमन इस नाम से एक लेक्चर है, उसका लिंक डाल देंगे, आज जितने भी हमारे मेडाइवल वाले जो वीडियोस आए हैं उसके लिंक यहाँ पे अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप बाद में जब देखेंगे तो आपके कोई क्लास मिस हो गई है तो आप देख सकते हैं, और उसके थ्रू आप कोर्स में ढूंढ सकते हैं कि ये टॉपिक की क्लास है। उसमें तो अरबों और तुर्कों का आगमन ये क्लास थी, इसके बाद में गुलाम वंश, मुगल वंश, इन सबकी क्लासेस आ चुकी हैं, तो उसके बाद ही हमने उठाया टॉपिक। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं आपसे, विजयनगर वॉज नोटेड फॉर इट्स मार्केट डीलिंग इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रीशियस स्टोन। विजयनगर मसालों का, कपड़ों का और जो बहुत महंगे महंगे पत्थर होते हैं यानी हीरे जवाहरात, इन सब का व्यापार करता था। दूसरा, कृष्णदेव राय का रूल जो था उसमें स्ट्रेन विद इन द इंपीरियल स्ट्रक्चर, यानी कि क्या था, तनाव था। कृष्णदेव राय के दरबार में क्या था, तनाव था, उसके यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही थी, तनाव की स्थिति रहती थी। दूसरा क्या बोल रहे हैं, द अमर नायक, ये मिलिट्री कमांडर होते थे कृष्णदेव राय के काल में या विजयनगर में, और उनको टेरिटरी यानी कि क्षेत्र दिए गए थे गवर्न करने के लिए, और दे वर गिवन द टेरिटरीज टू गवर्न बाय द रॉयाज, यानी कि उनके अंडर में क्या है कि ये मिलिट्री कमांडर थे और उनके ऊपर में होते थे रॉयाज, और इन रॉय को क्या देते थे कि सारा का सारा जो टेरिटरी है उसके ऊपर रॉय होगा, जो रॉय क्या है, राजा का रिप्रेजेंटेटिव है, और रॉय के अंडर में एक मिलिट्री कमांडर है, वो अमरनायक, वो रूल करेगा। तो इनमें से बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, विच आर करेक्ट, करेक्ट पूछे। ओनली 3, 1 एंड 2, 1 एंड 3 या सारे के सारे करेक्ट है, तो बताएं जल्दी से इसका आंसर। तो देखिए तब तक मैं डिस्कशन शुरू करती हूँ। विजयनगर एम्पायर जो है, विजयनगर की बात हो रही है, तो व्यापार में ये लोग उन्नत थे, व्यापार काफी कर ही रहे थे, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि स्पाइसेस और टेक्सटाइल और प्रीशियस स्टोन्स वगैरह का ये लोग व्यापार करते थे, ये सही है। अब बताइए जब बाबर आया था इंडिया में, तो उसने अपनी बुक जो लिखी थी तुजुके बाबरी, जो कि टर्किश लैंग्वेज में थी, उसमें उसने एक एम्पायर की बड़ी तारीफ करी है, और वो है विजयनगर एम्पायर। और बाबर ने ऐसा कहा कि मैं जब भारत में आया तो सबसे शक्तिशाली जो मुझे साम्राज्य लगा है वो विजयनगर एम्पायर लगा है, और उस विजयनगर एम्पायर में भी कृष्णदेव राय का काल चल रहा था जो कि बड़ा ही उन्नत और समृद्ध था। तो बाबर ने अपनी बुक में तारीफ करी है, तो यानी कि प्रॉब्लमैटिक एरिया नहीं है बल्कि अच्छा है ये, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि जब आप यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं विजयनगर एम्पायर की, तो क्या कृष्णदेव राय जिसको इतना तारीफ किया, तो क्या उसके समय तनाव की स्थिति होगी? नहीं, बल्कि कृष्णदेव राय के बाद में उत्तराधिकारी अच्छे नहीं आए, तो इसलिए फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। थर्ड, अमर नायक, ये सिस्टम आपको बताई दिया कि विजय क्या करता था कृष्णदेव राय के समय में। यहाँ पे विजयनगर में रायास थे, और राय के अंडर में क्या होते थे, अमर नायक या नायक होते थे, और नायक वहां के मिलिट्री कमांडर होते थे। इस तरीके से वो राज्य संभाल रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3। तो 10वें का आंसर हो जाएगा सी। ये सही आपका आंसर विजय, ये पृथ्वी, 10वें का आंसर सी है। अब देखें अगला क्वेश्चन, 11वां बड़ा क्वेश्चन है, 11वां और 12वां आपके स्क्रीन पे, आप एक एक करके उसको पढ़ते जाइए, फटाफट आंसर जल्दी दिया करिए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं 11वां क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रिफॉर्म मेजर कैरिड आउट बाय महमूद गवन ऑफ बहमनी किंगडम। ये बहमनी साम्राज्य का जो था राजा, बहमनी डायनेस्टी, तो उसमें, ठीक है, नहीं एकता शर्मा ऐसा नहीं है। देखिए हिस्ट्री को कैसे याद कर सकते हैं, तो हमेशा एक सीक्वेंस याद करा करिए कि हुआ क्या, कि भाई शुरुआत कहाँ से करें। कई बार होता है ना कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं एकदम से डायरेक्टली, मॉडर्न सबको आसान लगती है क्योंकि गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस या तिलक कहीं ना कहीं हमने सुने हुए हैं, एग्जाम्स में भी ज्यादा आती है ये वाला पार्ट, तो एकदम से बच्चे वही उठाते हैं और एंशिएंट मेडाइवल कभी उठाते ही नहीं है, तो वो पार्ट कभी फिर स्ट्रांग नहीं होता है। अगर आप हर चीज को एक लिंक से ही पढ़ेंगे, जैसे हमने भी शुरुआत करी तो हमने सबसे पहले जानबूझ के बिल्कुल स्टार्टिंग ही करी और कुछ भी ना पढ़ा के सिर्फ और सिर्फ लेक्चर ऐसे दिए कि आपको पढ़े कि हिस्ट्री को जानने की शुरुआत कहाँ से हुई, ये क्या क्या हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ा, कि कुछ पत्थर थे उनपे कुछ लिखा हुआ था वो पढ़े, कुछ प्रशस्ति पढ़े, कुछ खम्भों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ था जिनको हम क्या कहते हैं, अभिलेख, उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी, किताबों के बारे में जानकारी दी, बहुत सारी चीजें, सिक्के मिले तो सिक्कों की स्टडी की गई कि सिक्कों पे क्या लिखा हुआ है, कोई राजा का नाम लिखा हुआ है, उसके साथ कौन सा ईयर लिखा हुआ है, उस हिसाब से कंपेयर करके हिस्ट्री पढ़ना शुरू हुआ। वो पहला लेक्चर हुआ। उसके बाद क्या शुरुआत करी कि सबसे पुराना क्या मिला हमें हिस्ट्री में, तो हम कहेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडिया की बात करें तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन बताया। उसके बाद बोल रहे हैं कि वो तो सब तहस नहस हो गया, फिर क्या आया, बोले फिर आपके वैदिक आए, वैदिक के बाद क्या है, वैदिक समाज अच्छा था तो सारी अच्छी अच्छी बातें डिस्कस कर ली, तो 4 वेद थे, 4 वेद में पहले वेद को हम वैदिक में बोलते हैं, 3 वेद बाकी के जो बच्चे वो उत्तर वैदिक काल, तो फिर क्या क्या चीजें गड़बड़ा गई, तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो दोबारा से याद ही नहीं करना पड़ा, एक बार वैदिक में चीजें पढ़ ली तो उत्तर वैदिक की कुछ कुछ ही चीजें, नाम वो भी ट्रिक से याद करवाए थे, क्या क्या चीजें थी, क्या उपनिषदों के नाम या आपके ब्राह्मणों के नाम, सब ट्रिक से चलता है वहां पे काम, तो वो ट्रिक से याद करते गए तो आपका उत्तर वैदिक कवर हो गया। आप उन लेक्चर्स को उठा के तो देखिए, सब कुछ है उसमें, ट्रिक्स भी हैं, सब है। इवन हड़प्पन में भी किस जगह से क्या मिला या कौन सी जगह, कौन सी नदी के किनारे, सब कुछ ट्रिक्स है किसको किसने खोजा, खोजकर्ताओं के नाम की भी ट्रिक है वहां पे, तो उन लेक्चर्स को देखिए। इसके बाद फिर वैदिक, उत्तर वैदिक के बाद फिर आपका जो शुरू हो गया, तो वहां पे हो सकता है एक बार में नहीं भी आए, तो आप उसको बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनिए। और उसके बाद क्या करिए, हमेशा अपने नोट्स पे फोकस करिए। ये मत सोचिए कि अपनी मेमोरी पे बेस्ड कि हमने सोचा और हमें सब कुछ याद हो जाएगा एक बार में, ऐसा कभी नहीं होता है। आप एक तो इंटरेस्ट लेके पढ़ें कि मुझे इसके बारे में जानना है, तब पढ़ेंगे। तो एक तो चीजें होता है ना, जब हम मूवी देखते हैं तो हम कोई रटने के उद्देश्य से नहीं जाते हैं, बट आने के बाद मूवी की पूरी कहानी सुना देंगे अपने दोस्त को, ठीक है, सारे इवेंट्स उसके सुना देंगे। तो वो इसीलिए क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा था, आपने देखा। उसी तरीके से आप इसको भी सुने तो अपने मन में प्रिपेयर रखें कि भाई मेरे को इंटरेस्ट से पढ़ना है, हुआ क्या था, कैसा था जब पढ़ रहे हैं, और जो चीजें बताई जा रही हैं उनको दिमाग में पिक्चर बनाइए कि हाँ कैसे रहे होंगे लोग, किस तरह की चीजें हैं। जब आपको कोई पिक्चर दिखाई जा रही है तो उसको विजुअलाइज करके इमेजिनेशन में लाइए कि अच्छा ऐसा था समाज, ऐसा दिख रहा है फोटो, तो उस समय ऐसे लोग हुआ करते थे। कोई भी चीज बता रही है कि ऐसा मिल रहा है, तो अच्छा ऐसा ऐसा चीजें थी, वो चीजें रहेंगी। उसके बाद में फिर जैसे जैसे आप बता रहे हैं कि भाई ये चीजें आपने पढ़ा, तो फिर उसके बाद जब जैसी धर्मों की बात खत्म हो गई फिर राजवंशों को पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़िए। मगध उठाया है तो मगध से पहले महाजनपद, अच्छा भारत में इतने महाजनपद थे, फिर मगध हो गया। मगध के बाद में भी फिर कौन आया डोमिनेट, मौर्य आएंगे, लेकिन मौर्य से पहले पहले कौन कौन आए। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, इतनी मजेदार कहानियां हैं उसके बारे में। तब जाके फिर गुप्त पे आएंगे, तो ऐसे करके आपका एंशिएंट खत्म हो गया, गुप्त डायनेस्टी आती। तो दिस इज हाउ यू कंप्लीट वन सेक्शन। मेडाइवल शुरू करना है तो ऐसा नहीं कि उठाया और हम पढ़ने लग गए इल्तुतमिश डायरेक्टली, नहीं समझ में आएगा। पहले आप पढ़िए भारत में अरब कैसे आए, तुर्क कैसे आए, अफगान कैसे आए, उनके अटैक के बारे में कि उन्होंने कितने अत्याचार किए, कैसे देश को लूटा, कितना संपत्ति लेके गए, उसको इमेजिन करिए। अच्छा इतने सारे हाथी घोड़ों पे लेके चले गए, ऊंटों पे लाद के ले गए, सोना पिघला दिया पूरा का पूरा मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का, ऐसे ऐसे सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद में आपको इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, यानी देश कितना संपन्न था, तो आज तो कुछ नहीं है, आज भी देखिए तो मंदिरों में कितना सारा गोल्ड है, तब भी उन चीजों से इमेजिन करिए। तो ऐसे मेडाइवल खत्म होगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करा करिए तो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एग्जाम में यही चीजें हैं, ये ऐसे ही पूछी जाएंगी। तो पढ़ना तो थ्योरी जरूर पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग से नहीं होगा, पहले थ्योरी पढ़ना है फिर ये करना है। तो आप देखिए आपका, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओके आपने हिस्ट्री की वजह से मैथ्स ले ली थी, मैंने मैथ्स की वजह से बायो ले ली थी, हिस्ट्री तो नहीं थी मेरे पास, बट हाँ बायो तो ली थी मैंने, ठीक है। अब देखें विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर, कौन सा इसने नहीं अपनाया था, इसके साम्राज्य के तरीके पूछ रहे हैं। तो द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 8 प्रोविंसेस और तरफ, प्रोविंसेस को क्या नाम दे दिया गया, तरफ दे दिया गया, कि पूरा साम्राज्य 8 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। तो पहले सुनिए, पहले इसके क्या थे, 4 सेंटर बताए हैं मैंने बहमनी के, विजयनगर और बहमनी हम पढ़ा चुके हैं। तो आपका अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बदार, तो ये आपके बीदर और बरार, तो ये आपके थे 4 सेंटर। अब उनको 4 सेंटर्स को भी इसने क्या किया, 2-2 में डिवाइड कर दिया। तो कितने पार्ट हो गए, 8 पार्ट हो गए। इन 8 पार्ट को क्या कहा जाता है, तरफ कहा जाता। तो एक एक में कितने तरफ हो गए, 2, तो टोटल कितने तरफ हो जाएंगे, 8, क्योंकि 4 राजधानियां थी। दूसरा, nobles were paid salaries, and were asked to maintain contingent of horses, यानी कि nobles को क्या ऐसा कोई सिस्टम था कि nobles को कहा जा रहा है कि आपको हम सैलरी पे करेंगे, बदले में आपको घोड़े वगैरह और ये सब चीजें मेंटेन रखनी है, यानी कि एक तरह से जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसका कॉम्बिनेशन जैसा था क्या, कि मनसब अगर आपको दे रहे हैं तो आपको हर समय एक स्टैंडिंग आर्मी और हाथी घोड़े जैसे जानवर अपने साथ रेडी रखने हैं, जब भी आर्मी में मांगा जाए तो आप राजा की सप्लाई के लिए, हेल्प के लिए भेजेंगे, कुछ ऐसा था क्या। दूसरा, अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड खालिसा वाज सेट अपार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द तरफदार, तरफदार जो होते थे उनके अंडर में ये खालिसा नहीं आते थे, या खालिसा एक अलग चीज थी, इसका तरफ से कोई लिंक नहीं था। दूसरी बात बोल रहे हैं, लैंड वाज मेजर्ड एंड लैंड टैक्सेस वर फिक्स्ड ऑन दैट बेसिस, कि लैंड को नापा गया, भूमि को नापा, भूमि की उर्वरकता वगैरह सब चेक की और भूमि को नाप के उसके ऊपर टैक्सेस लगाया गया। तो अब बताएं इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 का A, B, C, D इनमें से कौन सा गलत है, आंसर कौन सा नहीं होगा। क्या पूछा हुआ है, विच वन अमंग द और नॉट, यानी कि कौन सा गलत है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो देखिए इसका आंसर ये वाला रहेगा खालिसा। खालिसा ये जो लैंड दे रहे हैं तरफ को खालिसा ही दिया जाता था, एक लैंड दिया जाता था, उससे वो लोग राजा को एनुअल वो देते थे, रेवेन्यू देते थे, और साथ में उनको स्टैंडिंग इस तरीके के घोड़े वगैरह ये सब आर्मी मेंटेन रखनी पड़ती थी अपने साथ में, और टैक्स भी भरते थे अपना पार्ट काट के, यानी कि जो उनको पेमेंट उसकी लेनी है उतना कमीशन काट के बाकी का राजा को वो जमा करवा देते थे। तो इस तरीके से सिस्टम रहता था खालिसा का। तो ये सी है इसका आंसर 11th का, बिल्कुल सही है आपका पृथ्वी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ये क्या चीजें दे रखी हैं? इवेंट आपके और सॉरी इवेंट ये आपका दे रखा है, हाँ, और यहाँ पे क्या दे रखा है? प्लेस या पर्सन, कोई स्थान या कोई व्यक्ति के बारे में कुछ दे रखा है। मैच दी फॉलोइंग करना है। तरमा शरीन खान, फिर बोल रखे हैं विजिट ऑफ फरनाओ, विजिट ऑफ द ट्रैवलर नूनीज, नूनीज किसके समय पे आया था, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है इसमें। नेटवर्क ऑफ कैनाल, ये भी सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि आपका कैनाल वगैरह जो नहरें थी वो किसने बनवाई, तो ये क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का सी बोल रहे हैं, ओके देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है आपका ट्रैवलर नूनीज आया है विजयनगर एम्पायर में, उसके बाद में नेटवर्क ऑफ कैनाल आपको किसने बनवाए हैं ये देखते हैं अभी, और विजिट ऑफ फरनाओ और ट्रैवलर नूनीज और नेटवर्क ऑफ कैनाल तरमा शरीर खान, तो ये आप बोल रहे हैं सी 4132, ओके। यहाँ पे देखते हैं यस, बी या सी में से ही होगा, तो इसका देखें ये आपका क्या रहेगा, पोर्टुगीज ट्रैवलर तरमा शरीन खान, विजिट ऑफ फरनाओ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है फरनाओ ये आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है, बी का, ओके नहीं, ठीक है, तरमा शरीन खान। अब ये देखें चंपानेर, तो ये आपका विजिट ऑफ फरनाओ जो है वो चंपानेर रहा है, तो बी का आपका हो गया 3 और बी का 3 एंड 3 का 1, तो यस 2 इसका आंसर होगा, ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका 2, और इसका आपका वर्क ऑफ कैनाल ये आपका तुगलक के समय में हुआ था, और तुगलक में भी कौन से, गयासुद्दीन तुगलक के समय पे नहरें बहुत ज्यादा बनी थी। अब बताएं, यस नहीं, ये सारे प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, ये मैंने तो कुछ नहीं किया इसमें, दिस इज ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, 2010 11 12 ये सब जो आए हुए क्वेश्चंस है वही हैं ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हैं आयरन पिलर, जो कि आयरन पिलर था कुतुब मीनार, वो आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, कुतुब मीनार की क्या खासियत है, खासियत पूछ रहे हैं कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार की खासियत बताइए। सबको पता ही है जो कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कार्य शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने उसका कार्य पूरा करवाया था, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो वो बन जाता आपका फैक्चुअल क्वेश्चन, बट यहाँ पे फैक्चुअल नहीं है, ये आपसे सिंपल एक आइडिया पूछ रहे हैं एंटिक्विटी की, बड़ा एंटीक है या चमकदार है, ग्लिटर है या हार्डनेस है या रस्टलेसनेस, इसमें जंग नहीं लगी है, तो बताएं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। तो हाईएस्ट मीनार है पत्थर की, ठीक है, हाईएस्ट मीनार में भी क्या कहेंगे, पत्थर की, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो आंसर है रस्टलेसनेस, ये क्या है आपका कि कुतुब मीनार जो है ये पत्थर की है, यहाँ पे हार्डनेस इसका नहीं हो सकता, ग्लिटर नहीं होता, एंटीक्विटी भी नहीं कह सकते, तो हम यहाँ पे तो यही कहेंगे पत्थर की है तो रस्टलेस है, रस्ट नहीं लगेगी। इसके अलावा रस्टलेसनेस के एक और पहचान होनी चाहिए यहाँ पे, यदि कुतुब मीनार की जगह क्या परफेक्ट होना चाहिए था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते एग्जाम में इसलिए लग दिया, तो लेकिन होना क्या चाहिए जो कि रस्टलेस के लिए ही फेमस है, तो वो आपका हो जाएगा मेहरौली का लौह स्तंभ, मेहरौली का लौह स्तंभ ये है आपका जो कि बहुत अच्छे आयरन का बना हुआ है, जंग नहीं लग रही, और ये तो पत्थर का है तो इसमें तो क्या जंग लगेगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पॉसिबल रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ नादिर शाह मिलिट्री कैंपेन इन दिल्ली। नादिर शाह जो मिलिट्री कैंपेन दिल्ली में चलाया, नादिर शाह ने बहुत सारी लूटपाट करी, आया इंडिया में, उसके बाद में बहुत सारे 10,000 तो औरतें और बच्चों को भी उसने स्लेव बना दिया, बहुत सारे लोगों को मार डाला, तो वो जो इतना सारा आक्रमण हुआ क्यों हुआ, तो वो एक मुसलमान शासक था उसके समय पे, क्या नाम है उसका, मोहम्मद शाह, वो इसका मुकाबला कर ही नहीं पाया। तो मोहम्मद शाह जो मुस्लिम शासक था उसके अगेंस्ट में नादिर शाह का रूल रहा था। तो क्या कारण थे, देखें, वीक मुगल एम्परर, बिल्कुल सही है, वीक तो था ही इसलिए। दूसरा, लैक ऑफ, ये बोल रहे हैं नॉट पूछा हुआ है, ठीक है, तो जो गलत है वो बताना है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, कि जो मुसलमान, ये आपको बताया हुआ है मैंने मुगल्स का चैप्टर में कि मुगल्स लोग जब नॉर्थ वेस्ट में यानी पंजाब और अफगानिस्तान वाले एरिया में काबुल कंधार पे हमेशा कंट्रोल रखे, वो उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट था कि जब तक काबुल कंधार को कब्जे में रखेंगे कोई और इंडिया तक आ ही नहीं पाएगा। लेकिन वो इनके हाथ से निकल गया, तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इनका क्या हो गया, वीक हो गया, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। नेक्स्ट देखें, लेट प्रिपरेशन फॉर द डिफेंस ऑफ दिल्ली, डिफेंस फॉर द डिफेंस ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली की जो उन्हें सुरक्षा करनी थी उसमें उन्होंने देर कर दी। दूसरा, यूज ऑफ सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी बाय इन्वेडिंग आर्मी, तो ये वाला भी सही है, ये गलत है, ठीक है, कि नादिर शाह ने कोई ऐसी सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी थी, बट ऐसा था कि वो तो बल्कि बहुत कम आर्मी लेके आया था और मोहम्मद शाह के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, बट फिर भी वो सामना नहीं कर पाए और इन्होंने हरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। Which among the following books was authorized by a lady of Mughal royal family? एक लेडी के द्वारा, यस 14th का डी है सही आंसर, 15th का बताइए। तो ये बोल रहे किस लेडी ने कौन सी बुक लिखी, अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूं नामा या बादशाह नामा, ठीक है, बादशाह नामा या पातशाह नामा, ये तो अलग ही है, ये तो शाहजहां के समय की है तो वो अलग है। आप ये तीन में देखें, बाबरनामा अभी बताई दिया, तुजुके बाबरी नाम से लिखी गई थी, बाबर के द्वारा ऑटोबायोग्राफी थी, और बाबरनामा अब्दुल रहीम जो खानखाना था उसने इसका ट्रांसलेशन किया था। 14th का आंसर दीजिए और दे दिया, ओके 15 आपका यस, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, वेरी गुड सही है आंसर आपका। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे 1309 और 1311 में मलिक काफूर जो था उसने साउथ में कुछ कैंपेन करे थे। मलिक काफूर के नाम से आपको कौन याद आ गया, आपको याद आ गया अलाउद्दीन खिलजी। तो मलिक काफूर साउथ में कैंपेन किया था, तो द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीडिशन लाइज इन दैट, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या रही, तो मलिक काफूर ने जो भी एक्सपीडिशन किए वहां से उसको क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस रही, तो देखें, They reflected a high degree of boldness and spirit of adventure in the part of Delhi ruler. दिल्ली के rulers की तरफ से उन्होंने उनकी वीरता को सामने रखा साउथ में। The invaders returned to Delhi with untold wealth, यानी कि बहुत ज्यादा अटूट संपत्ति लेके लूट के आए साउथ से। They provided fresh geographical knowledge, उन्होंने geography knowledge जो कि पहले थी ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था कि साउथ इंडिया भी एग्जिस्ट करता है या वहां के रास्ते, वो उन्होंने बताया। या अलाउद्दीन प्रमोटेड मलिक काफूर टू द रैंक ऑफ मलिक नायब और वाइस रेजेंट ऑफ द एम्पायर, ये मलिक काफूर का ये साउथ की विजय प्राप्त करने के बाद प्रमोशन कर दिया गया। तो बताएं कौन कौन से सही है, 1 and 3, 1 to 4, 2 and 4, ऑल ऑफ दीज, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, 16 का आंसर क्या रहेगा, ओके देखिए, हाई डिग्री ऑफ बोल्डनेस, तो ये कोई इतना अच्छा पॉइंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद बोल रहे हैं ज्योग्राफिकल नॉलेज, ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो सबको पहले से ही पता था, ऐसे पहले भी रूलर्स हुए हैं जो कि साउथ इंडिया तक गए, साउथ इंडिया के रास्ते नहीं पता थे या साउथ इंडिया नहीं पता था, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एक तो वो बहुत संपत्ति लेके आए, मलिक काफूर कोहिनूर का हीरा लेके आया था, तेलंगाना का राजा था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, उससे लेके आया था। तो आपका 2 and 4 यस वेरी गुड, एक था सी है इसका आंसर 2 and 4, तो यहाँ पे ये मलिक काफूर ने ये किया था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इब्न बतूता की जो बुक है रेहला, वो कंप्लीट हुई थी 1355 में, तो वो क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है यानी इब्न बतूता की आत्मकथा है। यस पृथ्वी आपका सही है आंसर, ठीक है। आप देखें तो यहाँ पे बोल रहे हैं इब्न बतूता ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, या फिर एन अकाउंट ऑफ द दिल्ली सुल्तान फ्रॉम ऐबक टू गियासुद्दीन तुगलक, कि उसने ये पूरी क्रोनोलॉजी लिखी थी, या इट इज अ रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथ है, या फिर यस फिर उसके बाद या फिर एन अकाउंट ऑफ द ट्रेड विद मोरक्को, कि मोरक्को के साथ में इसने ट्रेड जो होता था उसके बारे में लिखा है। तो जल्दी से बताइए इब्न बतूता का क्वेश्चन ठीक है, यस। तो इब्न बतूता आया कहाँ से था, तो आया कहाँ से था, तो अभी उसकी एक बुक भी बताई थी हमने थोड़ी देर पहले, उसकी बुक का नाम रहेगा रेहला। रेहला किताब लिखी थी इब्न बतूता ने। किसके समय पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था इब्न बतूता। अब देखें तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, एन अकाउंट ऑफ द ट्रेड विद मोरक्को। मोरक्को से आया था ये, अफ्रीकन ट्रैवलर था और उसने वहां से जो व्यापार वगैरह हो रहा था उसके बारे में उसने प्रकाश डाला अपनी किताब में, रेहला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवरल सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड इन 19 एंड 20 सेंचुरी। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा डल गया है, ये इसका है नहीं, बट फिर मैंने हटाया नहीं, थोड़ा मुस्लिम नाम आ रहे थे इसलिए डाल दिया, अदरवाइज दिस इज अ मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन, ये इसमें नहीं है, बट आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में भी कैसे कैसे क्वेश्चन उठा के डाले हैं। तो 19 एंड 20 सेंचुरी में अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम। ये ऑर्गेनाइजेशन 1914 यानी कि जो World War I का समय था उस टाइम का ड्यूरेशन है, तो मॉडर्न टाइम आ गया। तो बोल रहे हैं ये क्या थी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस, अ रेडिकल विंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। जल्दी से बताइए इसका भी आंसर, ठीक है, थोड़ा फास्ट करा करिए आंसर्स। तो देखिए ये जो है आपका अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम, ये क्या था, मुस्लिम महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए था, महिलाओं की संस्था थी। किसके लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए, यानी कि जो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, और ये वाले काम के लिए कौन आगे आया। 18 का बी आंसर आ रहा है, ओके, ये वाला है इसका आंसर, 18 का ए आंसर है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या था कि बदरुद्दीन तैयब जी थे, एक हमारे वो रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपके जो लिबरल्स और एक्सट्रीमिस्ट जो होते थे उनमें एक्सट्रीमिस्ट में थे ये बदरुद्दीन तैयब जी। तुरंत अपना आंसर डिलीट करेंगे, गलत दे भी दिया तो क्या हो गया, अटेम्प्ट तो कर रहे हैं आप। ठीक है, यही आपकी हिम्मत है कि आप सारे क्लासेस लेते हैं और आप सारे बियर करते हैं और सारा आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही देखो पृथ्वी, आपका तो लेवल बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लेडीज की थी, लेडीज कॉन्फ्रेंस थी, भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी कि शिक्षा वगैरह को उनको जोड़ देंगे। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द आर्मी रिफॉर्म्स ऑफ शेरशाह। शेरशाह के आर्मी रिफॉर्म में से कौन सा नहीं था, आर्मी रिफॉर्म्स यानी शेरशाह सूरी ने जो भी आर्मी के लिए बदलाव किए उनमें कौन सा पॉइंट गलत है इसमें। कीपिंग अ लार्ज आर्मी एट द सेंटर, एक बड़ी केंद्रीय सेना रखी थी, तो बिल्कुल रखी थी, ये तो पहचान है शेरशाह सूरी की, केंद्रीय सेना रखना। ठीक है, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्विफ्टली मूविंग आर्टिलरी, कैश पेमेंट टू द सोल्जर्स, इंट्रोडक्शन टू द प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बता दिया था कि ये आपका दाग और हुलिया प्रथा चला रहा था। दाग क्या होता है, घोड़ों को दागने की प्रथा, हुलिया होता है जो आपका सिपाहियों के हुलिये को रिकॉर्ड किया जाता था। तो दाग और हुलिया प्रथा इसने चला रखी थी, ये पॉइंट हो गया। कैश पेमेंट टू सोल्जर्स, सोल्जर्स को कैश पेमेंट दे रहा था। इंट्रोडक्शन ऑफ स्विफ्टली मूविंग आर्टिलरी, तो ये पहचान शेरशाह सूरी की नहीं है, बल्कि मूविंग आर्टिलरी यानी तोप और गोला बारूद जो पहचान है, यूज इसने भी किया, परंतु जो बेसिक पहचान है वो मुगलों की है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये पहचान इसकी नहीं है बल्कि ये पहचान तो मुगलों की है, तोप गोला बारूद मुगल लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी सिस्टम बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। अ प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग द टाइटल ऑफ मनसबदार टू मिलिट्री पर्सन ओनली, कि ये क्या था, मिलिट्री पर्सन को मनसबदार की पोस्ट देते थे। ओके, 19 का बी, ठीक है। अब देखिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द दाग और ब्रांडिंग सिस्टम, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द जागीरदारी सिस्टम। तो मनसबदारी में क्या क्या चीजें शामिल थी, देखें, ओनली वन, 1 and 3, 2 and 3 या ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से आंसर दीजिए मनसबदारी का। तो मनसबदारी का इसका आंसर क्या रहेगा कि देखिए ये वाला जो चीज है आपका, प्रैक्टिस ऑफरिंग ऑफ मनसबदार टू द मिलिट्री पर्सनल ओनली, ध्यान दीजिए इस पे और जल्दी से बताइए आंसर। तो मनसबदारी का आपका क्या रहेगा कि मनसब जो मनसबदार बनाया था जाता था मिलिट्री पर्सनल को ही, मिलिट्री में आर्मी में एक रैंक दी जाती थी मनसब, ठीक है, ये पॉइंट आपका सही है। और उसके बाद में इसमें क्या करते थे, जागीरदारी सिस्टम का प्रॉपर तरीके से फंक्शन होता था, यानी जो मनसब दिए जाते थे उनमें उनको काफी सारे गांव के गांव मिलते थे, उसके अनुसार उनको अपना जात और सवार मेंटेन करना होता था। तो 1 और 3 इसमें सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21, संगम लिटरेचर जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है साउथ इंडिया का, वो संगम लिटरेचर कौन सी भाषा में लिखा गया है, तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में या मलयालम में? तो ये क्या रहा है, चोल, चेर, पांड्य। ओके, 20 का आपने बी आंसर दिया था, ओके ठीक है। तो आप देखिए 21 का बताइए कि जो संगम है यानी कि चोल, चेर, पांड्य, इनके पूरे काल को क्या कहा जाता था, संगम काल, क्योंकि संगम जो लिटरेचर थे वो लिखे जा रहे थे इनके समय पे, काफी सारे कवियों को, लेखकों को इन राजाओं ने संरक्षण दिया था। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये लिटरेचर कौन सी भाषा में लिखा गया, तो अगर इनकी भाषा बोलेंगे तो ये तमिल लिटरेचर है। क्या है इसका आंसर, तमिल लिटरेचर। नेक्स्ट देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पॉइंट देखिए, इसका आंसर ए है 21 का। आगे देखिए 22, तो इसने ही डिवाइडेड इन एम्पायर इनटू सरकार, सरकार में उसने डिवाइड किया अपना एम्पायर, और सरकार डिवाइड थे काय में, परगना में। सरकार और परगना जो थे वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर किए जाते थे शेरशाह द्वारा विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर ऑफिशियल, किसी की भी हेल्प के बिना वो खुद ही ये सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ था। तो इसका आंसर बताइए 22 का, 22 का आंसर बताइए, 1 और 2 दोनों, या फिर 1 या फिर ओनली 2, या फिर दोनों ही गलत हैं। तो देखिए ये वाला पॉइंट सही है, सरकार और परगना का डिवीजन होता था, ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, परंतु सारा का सारा खुद ही कंट्रोल कर रहा था, कोई गवर्नर ही अपॉइंट नहीं किए थे, ऐसा नहीं था। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, ओनली 1। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 23, ओके 23 का बताइए। अब मैच दी फॉलोइंग है, कैलाश नाथर या नाथन, कैलाश नाथन या लिंगराज, खांडरिया महादेव, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो इनको मैच करना है कि कहां कहां से है। तो सबसे पहले तो दिलवाड़ा ही देख लें, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां के हैं, माउंट आबू। तो यानी कि डी का क्या है, 3। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ये दोनों गलत हैं। अब देखें आगे, लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर कौन सा था आपका, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में है, यानी बी का 1। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये वाला। फिर उसके बाद देखिए कैलाशनाथन कहाँ का है, कांचीपुरम में ये मंदिर है, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम का है, जो रॉक टेम्पल्स है उन्हीं में है ये है। और कांडरिया महादेव तो खजुराहो का है ही। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, कौन सा मुगल एम्पायर के बारे में गलत बात दे रखी है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देखें, पीजेंट कम्युनिटीज वर यूनाइटेड एंड होमोजीनियस ग्रुप, कि सारे किसान बड़े यूनाइटेड थे और एक सी उनकी स्थिति थी, ये बात सही है, ओके यस, बी इज द आंसर। अब देखें यहाँ पे, तो देखिए इसका आंसर क्या बोल रहे हैं कि देयर वाज अ एबंडेंस ऑफ फूड ग्रेन, की जो आपका कृषि का उत्पादन था उसको वो भरपूर मात्रा में अवेलेबल था। द स्टेट एनकरेज दीज क्रॉप्स दैट ब्रॉट इन मोर रेवेन्यू, जिनसे टैक्स ज्यादा कलेक्ट होता था, सरकार ऐसे खाद्यान्न फसलों को ज्यादा बढ़ावा देती थी। मोस्ट रीजन्स प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, साल में क्या करते थे कि दो, ज्यादातर रीजन 2 फसल एक साल में उगाते थे। तो इसका आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 24 का हमेशा क्वेश्चन नंबर डाल के फिर आंसर दें जल्दी से। 24 का क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए ये है इसका आंसर। मुगलों के समय में भी किसान एक से नहीं है, कोई किसान गरीब है, अमीर है, अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं, साउथ में अलग स्थिति रहती है, नॉर्थ इंडिया में अलग रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए गलत स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मार्को पोलो की बात कर रहे थे, मार्को पोलो कहाँ का ट्रैवलर है, इटली का ट्रैवलर है। देखिए मार्को पोलो ट्रिप टू इंडिया, कहाँ से ट्रिप, कहाँ से आई है इसकी, इटली से आई है, ठीक है। किसके समय पे आई है, विजयनगर में आया था ये भी, किसके समय, देवराय 2 के समय। तो उसने बहुत सारा फेम लिया, क्यों? He is having discovered a safe route to India, उसने भारत का रूट खोजा एक सेफ, या he is having established amicable relationship with many kings of India, बहुत सारे राजाओं के साथ उसने अपने relations अच्छे बनाए, और या फिर आपका his account of commercial, religious and social condition in East, उसने ईस्ट की जो कंडीशन बताई उसके बारे में वो इम्पोर्टेंस है, या फिर आपका ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट सही है। तो बताएं विजयनगर में आया था देवराय 2 के समय पे, और मार्को पोलो इटली से आया था, तो कौन से पॉइंट इसके सही हैं? तो इसके बारे में बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए इसके सारे ही पॉइंट सही हैं, ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। उसने सेफ रूट ढूंढा, राजाओं के साथ संबंध उसके अच्छे रहे मार्को पोलो के, और कमर्शियल, रिलीजियस, सोशल कंडीशंस जो थी ईस्ट की उसके बारे में उसने स्टडी करी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का डी। 26 का आंसर देखें आप, फिर से रिपीटेड जैसा ही क्वेश्चन आ रहा है। मैच दी फॉलोइंग बोल रहे हैं किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद तो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था आपका अल-बरूनी, जो कि किसके साथ आया था? गजनवी। रेहला किसने लिखी थी? इब्न बतूता। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। तो बादशाह नामा किसने लिखी है? लाहौरी, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी, ये ऐसे थे। तो यानी कि क्या आंसर हो गया आपका 2143, 2143 डी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 25 का डी आपका सही आंसर, 26 का भी आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 27 देखें, विजयनगर जो है हम्पी था, जिसको हम्पी साम्राज्य भी बोलते हैं, वो प्रकाश में कैसे आया? किसने विजयनगर एम्पायर के बारे में रोशनी डाली? यस, 26 का भी डी है, बिल्कुल सही है पृथ्वी आपका आंसर। तो जो विजयनगर के जो अवशेष थे उनको सबसे पहले हम्पी को किसने स्टडी करा? विजयनगर को ही हम्पी कहा जाता है, हस्तिनावती भी कहा जाता है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी, सर जॉन शोर, एंड्रयू फ्रेजर या जॉन मार्शल? तो इसका आंसर बताएं 27 का। तो ये विजयनगर के जो अवशेष हैं उनको सबसे पहले ब्रिटिशर्स के समय पे ही पढ़ा गया था, और इसका आंसर क्या है? कॉलिन मैकेंजी, इन्होंने सबसे पहले पढ़ा, और आज तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अगला देखें, अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उन पे विचार करना है और फिर पूछना है कौन से इनमें से सही है। तो स्टेटमेंट क्या है? दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला बोल रहा है He placed market under the control of higher officials called Shahana and strictly controlling the shopkeeper and prices. पूरी इस पोस्ट का नाम क्या था? तो ओके, ठीक है, कमेंट लेट आते हैं, जब भी हम ऑनलाइन कुछ क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा ये दिक्कत रहती है कि चीज़ें वहाँ तक स्ट्रीम होते होते आपका यूट्यूब भी टाइम लेता है, तो ये तो टेक्निकल बातें हैं, कोई बात नहीं। शहना ए शहर पोस्ट का नाम था, शहना ए शहर। तो शहना ए शहर या शाहना ए शहर, दोनों बात बोल सकते हैं। शाहना ए शहर ये आपका मार्केट पॉलिसी बोल रहे हैं, उसको कंट्रोल करता था, प्राइसेस रेगुलेट करता था। तो ये बात सही है कि नहीं? क्या इस पोस्ट का नाम शाहना ए शहर था या कोई और पोस्ट का नाम था? इन ऑर्डर टू एंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप फूड ग्रेन, सस्ते में अनाज हो, उसके लिए क्या किया था? He ordered land revenue from Doab region to be paid directly to the state, कि दोआब रीजन से उसने क्या कह दिया कि डायरेक्टली स्टेट को दोआब रीजन से टैक्स पे किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट इसका सही है या गलत है? देखिए दोनों स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए शाहना ये शहर क्या होता था? एक तरह का क्रिमिनल पुलिस जैसी होती है ना, वो होता था। तो जो भी कुछ ये अगर मार्केट में आप महंगा आइटम बेच रहे हैं, कम रेट, कम तोल रहे हैं, तो ये सब चीजों को चेक करता था क्रिमिनल पुलिस वाला व्यक्ति, यानी शाहनाइश है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इन ऑर्डर टू एंश्योर सप्लाई, वो क्या करता था? दोआब से टैक्सेस अच्छे लेता था, खींचता था, और फिर सस्ते में ही अनाज बंटवाता था। मार्केट पूरी तरह से कंट्रोल में था। तो क्या आंसर हो गया? बोथ 1 और 2, ठीक है। आगे देखें, विच एम्पायर डिड निकोलो डी कोंटी, अब्दुल रजाक और ये आपका निकेटिन और आपका नूनीज, ये लोग कौन से एम्पायर में आए थे? सारे के सारे नाम दे दिए, निकोलो कोंटी, रजाक और निकेटिन और नूनीज किसके साम्राज्य में विजिट किए थे? कन्नौज के साम्राज्य में, विजयनगर में, या होयसलाज में, या राष्ट्रकूटाज में? तो राष्ट्रकूटा तो बहुत ही पुरानी बात आ गई। तो यानी कि ये कौन कौन से हो गए? तो इसका आंसर क्या है? विजयनगर एम्पायर में ये लोग विजिट किए थे। आगे देखें, तुंगभद्रा जो है इट प्रोवाइडेड सस्टेनेंस टू विच एम्पायर, तो ये कौन से एम्पायर बसा हुआ था तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा आपका एम्पायर था, चोल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, वाकाटक या फिर पांड्य। तो इसका बताएं। ओके 29 का आपका आंसर आया है बी, सही है आंसर आपका पृथ्वी। 30 का आंसर दें, तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा एम्पायर बसा था। तो अगर आपको याद हो तो कृष्णा तुंगभद्रा का जो दोआब बताया था वो बड़ा फसाद की जड़ था दो एम्पायर के बीच में, और वो थे आपके विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, विजयनगर। तो विजयनगर और बहमनी का जो रायचूर दोआब था उसको लेके हमेशा झगड़ा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेहला के बारे में पूछ रहे हैं। रेहला वॉज रिटन इन अरेबिक इन द 14th century बाई इब्न बतूता। रेहला अरेबिक भाषा में लिखी गई थी या पर्शियन में लिखी गई थी अब्दुल रज्जाक द्वारा, या पर्शियन में लिखी गई थी इब्न बतूता द्वारा, या इटालियन में लिखी गई थी मार्को पोलो द्वारा। तो रेहला आपकी किसकी बुक है, रेहला बहुत बार आ चुका, रेहला आपकी इब्न बतूता की बुक थी। तो ये अरेबिक में लिखी गई या पर्शियन में लिखी गई, ये आपका आंसर बताना है आपको। तो इसके बारे में बताइए, पर्शियन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, फारसी भाषा बोलते हैं। तो ये अरेबिक या पर्शियन, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरेबिक। तो ये रेहला इब्न बतूता ने अरेबिक भाषा में लिखी थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इनको मैच करना है। मेहराब, मिंबार, खुतबा, किबला, इनमें से जो सबसे ज्यादा वर्ड मैंने जो बोला है, एक्सप्लेन किया है, वो है खुतबा। खुतबा होता है एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन, जब भी किसी राजा को राजगद्दी पे बैठना है तो वो क्या करता है, अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये खुतबा एक तरह का सरमन हो गया, एक उपदेश हो गया, वो उसमें बताया जाता है, अनाउंस करते हैं कि अब इस राजा का रूल रहेगा यहाँ से यहाँ तक। 31 का आपका आंसर आया है एक का ए, बिल्कुल सही है। 32 का दें आप। अब बात कर रहे हैं मेहराब और मिंबार। तो मेहराब क्या होता है, मेहराब होता है जो इस तरीके के ये दरवाजे ऐसे बने होते हैं ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो मेहराब कहते हैं, यानी कि आर्च। अब बात हो रही है मिंबार और किबला। तो देखें आपका, तो मिंबार होता है ये स्टैब्ड पल्पिट। पल्पिट क्या है, पल्पिट से समझिए एक प्लेटफॉर्म। तो एक जब आप ये मस्जिद वगैरह में क्या होता है, वहां पे जब पूजा स्थल जो होता है वहां पे कई बार एक प्लेटफॉर्म होता है जो मेन प्रीस्ट के बैठने के लिए, तो वो उसको क्या कहते हैं, हम मिंबार कहते हैं। और बच क्या गया, किबला। किबला होता है जो हम काबा की तरफ डायरेक्शन करके ये लोग जो पढ़ते हैं अपनी प्रेयर, तो वो नमाज, तो नमाज, तो ये चीज किबला रहती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 देख लें, सी आंसर है इसका, ठीक है। तो ये 32 का सी है आंसर। तो इस तरह के टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। यस, एकता आपका आंसर सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 33, हजारा राम का मंदिर कहां पे है, अवध में, ट्रैवेनकोर में, विजयनगर में या अहोम में। तो हजारा राम का मंदिर कहाँ पे है, विजयनगर एम्पायर का पहचान है हजारा राम का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है हजारा राम का, तो ये विजयनगर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट इलस्ट्रेटेड विद द पेंटिंग्स इन अकबर्स कोर्ट, यानी कि अकबर के कोर्ट की राजदरबार की पेंटिंग्स कौन सी बुक में नहीं मिलेगी। तो अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इसका आंसर थोड़ा गैस भी कर सकते हैं, रॉन्ग मतलब रफली गैस करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। 33 का सी आंसर बिल्कुल सही है पृथ्वी। 34 का देखें आप, हमजा नामा, रज्मनामा, बाबरनामा, तारीख अल्फी। तो अगर बिल्कुल सिंपल सा गैस लगाया, किसी बच्चे को भी बोला तो वो क्या सोचेगा, अगर उसको सीक्वेंस पता है कि बाबर, हुमायूं, अकबर इस तरह से आए थे, तो यानी अकबर की पेंटिंग किसके समय पे नहीं होगी, बाबर के समय पे। बाबरनामा वैसे भी क्या है, आत्मकथा है। तो क्या हो गया, बाबरनामा में इसकी बुक के ऊपर अकबर की पेंटिंग नहीं थी, हालांकि ये बाबरनामा लिखी अकबर के टाइम पे ही गई है बाद में, लेकिन इसमें क्या है आपका, ये बाबरनामा इसका आंसर है, ठीक है। आप देखें इक्ता, ये क्या पूछ रहे हैं, इक्ता। इक्ता जो है मेडाइवल पीरियड में इसका मतलब क्या था, इक्ता प्रथा शुरू करी थी इल्तुतमिश ने, उसका मतलब क्या है? लैंड असाइन टू रिलीजियस पर्संस फॉर स्पिरिचुअल पर्पसेस, यानी कि आप जमीन देते थे, आप जो भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों को करने के लिए जमीन दान में देते थे, या फिर लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट टेरिटरी यूनिट्स असाइन टू आर्मी ऑफिसर्स, यानी कि लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट टेरिटोरियल यूनिट्स असाइन टू आर्मी ऑफिसर्स के आर्मी ऑफिसर्स को कुछ लैंड ग्रांट दी जाती थी, उसको एकता कहते थे, या चैरिटी फॉर एजुकेशन एंड कल्चरल एक्टिविटी जो दान होता था उसको कह रहे हैं, या राइट्स ऑफ द जमींदार, जमींदारों के हक या उनके राइट्स को कहते हैं। तो इसका आंसर बताएं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंड ग्रांट को, लैंड जो होती थी जो आर्मी ऑफिसर्स को देते थे उसको इक्ता कहा जाता था। ठीक है, तो यानी कि क्या हो सकता है? यस, ऑटोबायोग्राफी वगैरह ये सारी चीजें सब अवेलेबल है, यू कैन परचेज एंड यू कैन रीड, सब कुछ अवेलेबल है, इवन आपके जो पुराण उपनिषद सब कुछ मार्केट में आते हैं, आपको मनुस्मृति तक मिल जाएंगी। ठीक है, उसकी कॉपी भी मिल जाएंगी। तो ये क्या बोल रहे हैं? लैंड रेवेन्यू, यानी कि लैंड जो होता था, जो कि लैंड ग्रांट दी जाती थी आर्मी ऑफिसर्स को, और उसमें से वो लोग टैक्स वगैरह भी भरते थे, तो वो लैंड ग्रांट जो होती थी उसको कहा जाता था इक्ता प्रणाली। फिर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स टेलस, तो ये हमसे बोल रहे हैं, ओके बी आपने बोला था, यह सही आंसर इक्ता आपका। अब देखें 36, कौन सा सोर्स हमें ये बताता है कि औरतों ने प्रोटेस्ट किया था किसके लिए? अपना हस्बैंड्स के खिलाफ कि वो लोग उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, या नेग्लेक्ट ऑफ द वाइफ और एंड चिल्ड्रन बाय द मेल हेड ऑफ द हाउस होल्ड, नेग्लेक्ट ऑफ द वाइफ एंड चिल्ड्रन बाय द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, की परिवार का जो भी मुखिया होता है वो बच्चों को या औरतों को इग्नोर करता है, इस चीज के खिलाफ औरतों ने आवाज उठाई थी। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये आपका कौन सा सोर्स हमें इस बारे में बताता है? किताबुल हिंद बताता है, या डॉक्यूमेंट बिलोंगिंग टू विलेज पंचायत ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, या स्कल्पचर फ्रॉम मंडौर, या आईने अकबरी ऑफ अबुल फजल। तो ऑब्वियसली आईने अकबरी का कोई मतलब नहीं है इसमें, मंडौर का जो स्कल्पचर है उनसे भी कोई मतलब नहीं है, किताबुल हिंद तो क्या है, अलबरूनी की बुक है, इसमें भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भी गाँव वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उनसे हमें औरतों की स्थिति पता चलती थी। तो क्योंकि इसमें मुसलमान नाम थे इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया, अदरवाइज दिस इज नॉट फ्रॉम मेडाइवल। आगे देखें, एक आध आपसे कुछ इस तरीके का जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो भी मैंने फिर से डाला है जस्ट टू चेंज द पैटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अर्लियर नेम ऑफ टोक्यो, टोक्यो का पहला नाम क्या था? इसका बताएं 37 का, यस एकता ओके। 37 का बताएं, ओसाका, क्योटो, समुराई या एडो, क्या नाम था टोक्यो का पुराना? तो टोक्यो का पुराना नाम एडो हुआ था। ठीक है, टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जापान। अब देखें, कंसीडर द फॉलोइंग, तुगलकाबाद, बड़ा गुंबद इन लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनको देख लें पहले किसने बनवाया। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक। लोधी गार्डन किसने बनवाया? सिकंदर लोधी। कुतुब मीनार किसने बनवाई? इल्तुतमिश। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर। तो ये तो सबसे लास्ट में आ गया। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्या आएगा? इल्तुतमिश, जो कि स्लेव डायनेस्टी का है। ठीक है, तो ओके आपका 38 का आंसर आ रहा है डी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रहेगा, ऑर्डर बोला है तो कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार सबसे पहले रहेगा यानी कि 3, इसके बाद आपका क्या रहेगा, फिर तुगलक वाला यानी कि 1, फिर उसके बाद 2 और फिर 4, 3, 1, 2, 4 बी आंसर है। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह की चीजें आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछ लिया जाता है सवाल। 39 देखें, सो मच इज रंग, रंग वर्ड क्या है? ये एक नया शब्द है तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश में इंप्रूव हो जाएगी। रंग होता है निचोड़ लेना, चूस लेना। ठीक है, तो बोले सो मच इज रंग फ्रॉम द पीजेंट, किसानों को पूरी तरह से चूस लिया गया है। दैट इवन ड्राई ब्रेड इज स्कैर्सली लेफ्ट टू फिल देयर स्टमक, की सूखी रोटी भी नहीं मिल रही है उनके पेटों को भरने के लिए। तो ये बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर्स हैड मेड द अबव स्टेटमेंट फॉर द पीजेंट्री कंडीशन ऑफ द मुगल्स, किसानों की मुगलों के समय में स्थिति के बारे में किस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया है? तो ये आपका सवाल है। तो किसने दिया है? फ्रैंकिस्को पेलसार्ट, फ्रैंकोइस बर्नियर, जीन बैप्टाइज ट्रैवनर या ये आपका निकोलो मनुशी, किसने दिया है? तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ये वाला इसका आंसर है फ्रांसिस्को पेलसार्ट। ये क्या था भाई? डच था। कौन है ये? डच है। इसने आपका जहांगीर के ऊपर भी एक बुक लिखी है, इसने जहांगीर टाइम करके इसने एक बुक लिखी थी। तो 39 का आंसर जो रहेगा वो ये है ए। ये आपके लिए नया क्वेश्चन ही होगा। तो डच था ये और इसने जहांगीर के समय का भी बुक लिखा है और उसने ये कहा था मुगल्स के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, ये लास्ट सेट है मेरा, 42 तक ही मैंने इसमें क्वेश्चन रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अल-बिरूनी आइडेंटिफाइज द सूफी डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन ऑफ लव एज सेल्फ एनिलेशन विद द पैरेलल पैसेज फ्रॉम द भगवद गीता। अल-बिरूनी कहता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन ऑफ लव है, यानी कि ये जो है आपका कि खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देना है भगवान के प्रति, ये चीज जो है सूफिज्म में भी है और ये भगवत गीता में भी है कि ईश्वर में ही अपने आप को पूरा विलीन करने वाली भावना। ठीक है, एनिलेशन होता है नष्ट कर देना, खुद को नष्ट कर देना यानी विलीन कर देना ईश्वर में। तो ये भावना सेम है दोनों में, वो ये कह रहा है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू अल-बिरूनी सूफी थ्योरी ऑफ सोल वाज सिमिलर टू दीज ऑफ पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि के योग सूत्र में जो बातें हैं वो सूफी थ्योरी जो है आत्मा की उससे मिलती जुलती हैं। दूसरा बोल रहा है हठ योगी क्रिटिसाइज अमृत कुंड हैज लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ सूफिज्म। सूफिज्म के ऊपर जो हठ योगी का जो बुक था अमृत कुंड, उसका बहुत प्रभाव पड़ा। या ये क्या पूछ रहे हैं? नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा गलत है। या फिर हुजविरीज कन्वर्सेशन विद द योगी शोज दैट ही वाज इम्प्रेस्ड विद देयर थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जो हुजविरीज थे जो कि सूफियों के ही ब्रांच है, वो बोल रहे हैं वो योगीज जो थे उनके साथ में बहुत ज्यादा वो कन्विंस थे या उनसे बहुत ज्यादा खुश थे या उनके अकॉर्डिंग वो थ्योरी को मैच कर रहे थे, इम्प्रेस थे उनसे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था, ये इनके टोटली ओपोनेंट थे। जो योगी लोग कहते थे वो इसके जस्ट ऑपोजिट बात करते थे। तो ये वाला आंसर इसमें गलत है, बाकी ये तीन बातें सही हैं। अब देखें, नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर रिटुअल पर्पसेस ऑफ द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के जो राजा लोग थे वो कौन से प्लेटफॉर्म पे बैठ के रिटुअल यानी रीति रिवाज करते थे, उस प्लेटफॉर्म का उस क्या नाम दिया गया था जिस जगह वो बैठ के करते थे? तो वो है आपका महानवमी दिब्बा, लोटस महल, हजारा राम या विरूपाक्ष। तो देखिए हजारा राम तो मंदिर का टेम्पल का नाम है, विरूपाक्ष टेम्पल का नाम है। अब बात आ गई बस ये दो, तो इनमें से क्या होगा? अगर रथ टेम्पल होते तो भी वो इसी का पार्ट है। तो यहाँ पे ये है इसका आंसर, महानवमी डिब्बा नाम होता था उस प्लेटफॉर्म का जिसके ऊपर राजा लोग बैठ के रिटुअल्स करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 42, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये देखिए, द आइडिया ऑफ फर्रे-ए-ज़ादी। फर्रे-ए-ज़ादी का जो आइडिया है वो जिसके द्वारा मुगल किंगशिप बेस्ड है, यानी कि ये क्या है? फर्रे-ए-ज़ादी एक आ जाता है ईश्वर रोशनी भेजता है या ईश्वर का जो प्रकाश है उसके अनुसार आप अपना भाईचारे की भावना को बनाए रख रहे हैं मुसलमान लोग। तो ये किस सूफी सेंट ने इसके ऊपर ध्यान दिया कि ईश्वर के प्रकाश के द्वारा ही आप लोगों में भाईचारा या आपकी जो पूरा वंश है वो चल रहा है क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का प्रकाश पड़ रहा है। तो ये आपका जो है फर्रे-ए-ज़ादी का कॉन्सेप्ट कि ईश्वर की रोशनी से ही आपका मार्गदर्शन हो रहा है या आप लोगों में भाईचारा बना हुआ है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ओके, 41 का आप ए बोल रहे हैं, सही था आपका आंसर, ठीक है। तो 42 का आप बोल रहे हैं शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी या निजामुद्दीन औलिया या इब्ने अरबी या फिर बयाजिद बिस्तामी। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। तो ये शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो थे, तो ये सुहरावर्दी ने ये वाली बात कही थी, जिस किसकी बात कही है? फर्रे-ए-ज़ादी की बात कही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री। एक ये था जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस है, किस तरह से फॉर्मेशन होती है। तो थोड़ा डीप हमें पढ़ना पड़ता है। तो जब आप लेक्चर देखते हैं तो मन में ये मत सोचिए कि इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हैं, ये चीजें इतना आता है क्या, तो आपके सामने ही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यही आते हैं। थैंक यू।